नमस्कार सभी अश्वपालकों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आया हुआ हूँ गुजरात, गुजरात के सिद्धपुर तहसील है शायद। हाँ, तहसील सिद्धपुर, जिला पाटन, जिला डिस्ट्रिक्ट पाटन है। पाटन। और आपका ये गांव कौन सा है? मुंडाना गांव। मुंडाना। अच्छा, ये सिद्धपुर से कितना किलोमीटर पड़ता है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। और किशोर सिंह जी आपका नाम हो गया। तो सभी व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हो, किशोर सिंह जी है और इनकी जो स्टोरी मेरे को पता पड़ी, मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहूँगा कि कहते हैं कि घोड़े क्या कर सकते हैं, तो घोड़ों ने वो कर दिखाया है इनके लिए। तो मैं हम जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी घोड़े ने इनकी लाइफ कैसे चेंज की थी और पहले कैसे इनकी लाइफ थी। नमस्कार किशोर सिंह। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। और आपके यहाँ पे आया हूँ मैं, आज ही आया हूँ गुजरात, पहली बार गुजरात आया हूँ। आज ही। वैसे तो आता रहता हूँ लेकिन वीडियो शूट के लिए और घोड़े प्रमोट करने के लिए पहली बार ही आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है पटनी किशोर भाई राजू भाई। पटनी किशोर भाई राजू भाई। राजू भाई, ओके। और आप अपना ये जो स्टड फार्म है वो किस नाम से रख रखा आपने? एमा विहत अश्व फार्म। ओके। तो किशोर सिंह जी, आप मेरे को बता रहे थे कि मैं जब 20-22 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, आप मेरे को बता रहे थे कि मैं फुटपाथ पे सोता था। तो वो कैसी आपकी ज़िंदगी थी और कैसे आप घोड़ों में आए और कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई, उसी के बारे में हम जानकारी अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको बताएंगे। उसमें भाई साहब ऐसा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं 22 साल तक रोड पे सो के बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बराबर। फिर बाद में मैं ये मेरी घोड़ी जो हेमा थी उसको मैं लाया। बराबर। ओके। फिर मतलब सबसे पहले आप एक घोड़ी लेके आए थे? हाँ, एक ही घोड़ी हेमा लाया था। ओके। बराबर। कहाँ से लाए थे आप? वो मैं लाया था अपने बनासकांठा के अंदर कम्बोई गांव है। ओके। उसका मालिक का नाम है बचूबा चंदन सिंह दरबार। बराबर। उसके पास से लाया था। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरा जीवन हिस्ट्री बदल गया। नहीं तो आपने जैसे 22 साल आपने आप मेरे को बता रहे हो कि मैं फुटपाथ पे सोया हूँ, तो उसके बाद आपको घोड़ों का शौक लगा या कैसे आपको आइडिया आया भाई अपन? नहीं, मेरे को बचपन का यही शौक था। बराबर। बस मैं लाऊंगा तो घोड़ा ही लाऊंगा। अच्छा अच्छा। बस दूसरा कोई नौकरी वोकरी करना है नहीं। ओके। लाऊंगा तो घोड़ा। तो फुटपाथ पे आपका सोने का क्या कारण था? वो हमारी बस बहुत गरीबी थी, इसीलिए हम वहाँ ठेला चलाते थे। अच्छा। फिर वहाँ खाते थे, सोते थे, वहाँ ही रहते थे। मतलब एक फुटपाथ पे सोना और ठेला चलाना, उसी लाइफ से आपने एक मतलब एक घोड़ा खरीदा या घोड़ी खरीदी, जो भी आप बता रहे हो। सबसे पहले आपने एक हेमा घोड़ी खरीदी। हेमा घोड़ी। अच्छा। तो मैंने सुना आपने उस हेमा घोड़ी की यहाँ पे समाधि भी बनाई है मेरे ख्याल से। हाँ जी। तो वो आपके पास कितने टाइम तक रही थी और क्या खासियत थी उस घोड़ी में? वो घोड़ी मेरे पास 15 साल 2001 के अंदर लाया था मैं। अच्छा। बरोबर। वो घोड़ी मेरे पास 15 साल काम किया, उसने मेरा नाम बढ़ाया। बरोबर। और इसने ऐसा नाम बढ़ाया कि नाम भी बढ़ाया और पैसे भी ऐसे कमाए, और उसने मेरा जीवन बना दिया और मेरा और मेरे बच्चे के लिए सब कुछ किया। मतलब आपकी पूरी लाइफ जो चेंज कर दी उस घोड़ी ने। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अशुपालक जो भी देख रहे हैं, घोड़ा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, आप जीता जागता मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ कि 22 साल तक इन किशोर सिंह जी ने है जो फुटपाथ पे सोते थे, और फिर इनकी लाइफ में एक घोड़ी आई, घोड़ी थी हेमा। हेमा। हेमा करके एक घोड़ी थी, तो उसी घोड़ी ने इनकी लाइफ जो चेंज की है, और आज इनके पास 12-13 जानवर है मेरे ख्याल से, और शायद शादी ब्याह का काम अपने शादी ब्याह के अंदर जाते घोड़े। ओके ओके। तो जो हेमा घोड़ी थी वो कैसी घोड़ी थी, अबलक थी क्या? लाल अबलक थी। और सारा क्या क्या खूबी थी उस घोड़ी में? वो घोड़ी के अंदर ऐसी खूबी थी कि वो घोड़ी में पकड़ के उसको डांस करवाता नहीं था, वो मेरे इशारे पे काम करती थी। अच्छा। जैसे मतलब मैं बोलूं इतना ही काम करती थी वो। अच्छा अच्छा। मतलब इसीलिए वो पहचान थी। हाँ। वो घोड़ी। अच्छा। फिर आपके पास कितने टाइम तक रही वो? 15 साल। 15 साल। फिर छूट गई कैसे वो? वो बस उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर वो छूट गई। अच्छा। तो उसी के याद में आपने यहाँ पे एक समाधि बनाई, ये मतलब इतना सा जमीन का टुकड़ा है जो उसी को दिया है, मतलब इतना सारा दिया है तो उसके लिए थोड़ा तो करना मतलब ये जो इतनी सारी आपने जमीन अमीन यहाँ पे ली है वो उसी घोड़ी की बदौलत है मतलब। बस। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए उसके लिए यहाँ पे आपने समाधि बना रखी है। ओके। ये तो बहुत एक बढ़िया बात है कि घोड़ों के लिए जो समाधि आपने बना रखी है, अच्छी बात है। सोचने वाले जो घोड़े रखते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है ये। अच्छा। तो यहाँ पे आपने समाधि में जैसे क्या बना रखा है? एक तो ये मूर्ति जो ऊपर बना रखी है आपने। हाँ, उसका वो चबूतरा मैंने बनाया है, उसके अंदर दाना बाना डालते हैं।
अच्छा मतलब चिड़ियों के लिए, चिड़िया के खाए तो उसको भी आत्मा के अंदर संतोष मिले। ओके ओके, मतलब घोड़ी की आत्मा को भी शांति मिलती रहे कि भाई मैं मतलब सही जगह पे हूँ, मतलब अपनी जगह। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपने, आप मेरे को बता रहे थे कि उसी की जैसी एक घोड़ी मेरी जिंदगी में आई, जैसे हेमा थी वैसे ही एक ये घोड़ी है आपके पास में, ये इधर लाना बेटा। उसके बाद में मैं ये घोड़ी लाया। ओके, ये वाली घोड़ी। हाँ, ये घोड़ी लाया और उसका भी नाम मैंने हेमा रखा है। इसका भी नाम आपने हेमा ही रखा है? हेमा रखा है। ओके, बराबर। और हेमा की सेम डुप्लीकेट ये है। अच्छा, जैसा हेमा काम करती थी वैसा ही ये करती है? वही काम करती है वो। अच्छा, वही ये काम करती है, तो इसका नाम भी आपने हेमा ही रखा? हेमा ही रखा है। ओके ओके। अच्छा किशोर सिंह जी, ये कितने टाइम, ये आपने खरीद के लाए थे या आपने? नहीं, इसको भी मैं खरीद के लाया था। अच्छा, ये कितने टाइम से अपने पास में? अभी ये मेरे पास 9 साल से है। मेरे पास 9 साल से? तो 9 साल से जो हेमा आपकी जो वो घोड़ी एक्सपायर हो गई थी, वो जो काम करती थी वैसा ही काम ये करती है? ओ, सेम काम करती है। सेम काम करती है? सेम काम करती है। अच्छा, काम करने में, सेम काम करने में जैसे क्या खूबी है इस घोड़ी की? ये घोड़ी के अंदर ये खूबी है, को बिने पकड़े वो काम करती है। अच्छा, बिना पकड़े? हाँ, बिना पकड़े, मतलब आपके इशारे पे? हाँ भाई, इशारे पे काम करती है। ओके ओके ओके। तो इसका नाम भी आपने हेमा रखा है? हेमा रखा है। कितनी एज की है ये? हाँ, उम्र कितनी इसकी? उसकी अभी 12 साल हो गई। 12 साल? अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे बच्चे भी दे रही है ना? पहले उसने बच्चा दिया था। अच्छा, फिर मैंने उसको बस घोड़ा डलवाया नहीं। अच्छा, अभी घोड़ा नहीं डलवाया? तो अभी तो शादी ब्याह में जा रही है? शादी के अंदर परफेक्ट जाती है वो। ओके ओके ओके। तो किशोर सिंह जी, जैसे क्या काम आप बिना इसको पकड़े क्या काम करा सकते हो, अभी करा सकते हो इसको? वो जो, हाँ करा सकता हूँ, अभी करा के दिखाओ मेरे को एक आध। ला बेटा, पहले खट लाओ, सिराज खट लाओ, बेचो भाई, कंचा लाओ, गाड़ी वाला कंचा लाओ। किशोर सिंह जी, एक ऐसा बोल सकते हैं कि घोड़ों ने आपकी लाइफ है जो पूरी चेंज कर दी है। हाँ जी, मतलब आपके पास कुछ नहीं था पहले? बिल्कुल कुछ नहीं था, और जब से घोड़े आए आपकी लाइफ में, बस बस बस, मतलब तकदीर बदल दिया मेरा, तकदीर बदल गई आपकी, राम राजी। हाँ, है मतलब। तो घोड़ा इस पे आपने डलवाया नहीं? नहीं, पहले दिया था बच्चा इसने कुछ? हाँ, पहले एक बच्चा दिया था उसने। अच्छा अच्छा। और अभी आपके फार्म पे कितने घोड़े होंगे टोटल? मेरे पास अभी 9 जानवर है। 9 जानवर? हाँ। अच्छा, छोटे बड़े 9 जानवर है। ओके ओके। तो शादी ब्याह में तो यहाँ आसपास जाते हो या दूर भी जाते? नहीं, दूर भी जाता हूँ। अच्छा, दूर भी जाता हूँ। हाँ, काठियावाड़ में भी जाता हूँ, सूरत में भी जाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ला। लगा दे फटाफट। ये आपका बेटा ही है? हाँ, मेरा बेटा है। ये भी साथ देता है मतलब? हाँ, अभी मेरे साथ में आ गया। चलो अच्छा है। चलो बड़ी आराम से बेटा, ये बात बड़ी, ये बात बेटा, ये बात आराम से बेटा, पर आराम से बेटा, बस बेटी ये बात नहीं, बस बेटा ये बात, ये बात महावीर घोड़ी पर रख फोकस, ये बात बेटा बड़ी, ये बात आराम से बेटा, ये घोड़ी, ये बात आराम से बेटा, ये पर, ये बात पर बेटी, अपर ना, बस बेटा, बस बेटी ना, ना ना बेटा, ना ना बेटा, बस ये बात। क्या बात है किशोर सिंह जी यार, स्टार्ट बेटा, घड़ी ये बात आराम से बेटा, आराम से बेटा, ये बात पलट घोड़ी, ये बात आराम से बेटा, पलट ये बात, पलट
पलट बेटा, ये बात पलट, ये बात, ये बात बस बेटा ना, बस ना, बस ये बात, बस ना, बस बस बेटा, बस 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 एक एक बस ना, बस ये बात, शाबाश। तो गोड़ी जब आओ आस्ते आस्ते बेटा, छोड़ जा आया, ये बात गोड़ी, ये बात आया, चिना चिना आ जा, कचो आ जा, तू ना भी आई, आ जा बोलो अभी बे जा, एक कहती हमारा अमरेश आप आना जवा लखनवारा अस्ते, ये बात लाओ, आ जा बोलो बोलो आ जा, ये बात आ जा, ये बात बे जा, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात बेटा, ये बात, बस आ जाओ, चलो उधर बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो बेटी साइड मर, चलो एक एक ये चले ना, चलो चले चलो, एक 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 ये 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 बस बेटी, ये बात, ये बात, ये बात, चल बेटा, चलो बेटा, चलो बेटी, बस बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर सिंह जी, बहुत ही बढ़िया आपने काम दिया इसको, और आपके इशारों पे नाचती है। तो ये ट्रेनिंग जो आपने दी है, आपने दी है या? ना मैंने खुद ने दी है। आपने खुद ने दी है? खुद ने। अच्छा अच्छा, तो आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से सीखी, मतलब आपके अपने खुद के दिमाग से। अच्छा, खुद के दिमाग से सीखी, मतलब काफी टाइम हो गया आपको घोड़े वोड़े रखते हुए? 25 साल हो गया। और मतलब आपको शौक तो बचपन से था? हाँ, बचपन से ही घोड़े का शौक था। अच्छा, मैं तो देखो पूरी दुनिया में घूमता हूँ, लेकिन ऐसी कलाकारी मेरे को आज तक किसी ने नहीं दिखाई, साफ कहता हूँ, सही कहता हूँ, मेरे को आज तक ऐसी कलाकारी नहीं दिखाई जो आपने मेरे को दिखाई है। क्योंकि नचाने वाले तो बहुत होते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मार मार के भी नचाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन आप एक इशारों से नचा रहे हो, वही नाच होता है मतलब घोड़ी। तो बहुत ही बढ़िया आपका ये कलाकारी है किशोर सिंह जी, बहुत ही बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा किशोर सिंह जी, आपको मतलब जैसे 25 साल हो गए घोड़ा घोड़ी में, हाँ जी, आपको किस चीज़ की परेशानी आती है? मेरे को कोई परेशानी नहीं आती है भाई। अच्छा, शुरुआत जब आपने की थी तब आई थी कुछ परेशानी? वो तो आती रहती है, छोटी मोटी, छोटी मोटी तो आती रहती है। अच्छा अच्छा, पर अब तो स्वभाव हो गए मतलब आप? बस अब तो आप अभी वो कोरोना चलता था तब थोड़ा बहुत हुआ था। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी हाँ कोरोना के टाइम तो शादी के टाइम में थोड़ा सा रहता ही है, डाउन रहा था, अभी कोई परेशानी, अभी कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है किशोर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू।